खेला गया है। हालांकि पिछली बार 2016 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस बार उमड़ता जन सैलाब, लोगों की भीड़ ये बता रही है कि इंडस विधानसभा में ही नहीं पूरे बंगाल में जिन जिन सीटों पर मिथुन चक्रवर्ती पहुंच रहे हैं, उनकी एक झलक पाने को लोगों की बेताबी साफ तौर पर समझ आ रही है। सर आराम से, आराम से, आराम से, ये भी बहुत है। जय श्री राम के नारे आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मिठुन दास, देखिए मूंछों पर ताव लगाते हुए, मूंछों पर ताव लगाते हुए मिथुन चक्रवर्ती को आपने देखा होगा, मूंछों पर ताव लगा के एक मैसेज दे रहे हैं और जनता का मैसेज स्वीकार भी कर रहे हैं। जनता का मैसेज स्वीकार भी कर रहे हैं और अपनी मुस्कुराहट और अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ वो यहाँ पर एक बड़ा संदेश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मेरे सहयोगी मुकेश लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से इन तस्वीरों को आप तक पहुँचाना, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि ये जितने किलोमीटर का रोड शो है हम पूरी तरीके से हर एक तस्वीर इस रोड शो की आप तक पहुंचाएंगे। साइड हो जाइए भाई साहब, साइड हो जाइए। देखिए ये देखिए छत की तस्वीर है। ये छत पर भी जो लोग नजर आ रहे हैं ना आपको, ये जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही जनता नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जनता नजर आ रही है। मैडम थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, मुकेश तस्वीरें दिखाते रहिएगा। देखिए जहां जहां आपको इट्स ओके नॉट इशू, ये देखिए तस्वीरें देखिए, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा, जाहिर है भीड़ है, भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मुकेश तस्वीरें दिखाते रहिए, ये देखिए मिथुन दा यहाँ पर हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्याशी निर्मल धारा का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने का दावा किया है, वादा किया है, अभिनेता के भाजपा में आने के पार्टी को काफी मजबूती मिली है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मैं कहूंगी कि जरा मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीरें ही दिखाते रहिएगा, जनता का जोश भी दिखाइए। ये देखिए दादा के दीदार का और दादा के एक एक फेस एक्सप्रेशन का यहाँ की जनता पर कितना असर हो रहा है ये आप समझ सकते हैं, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। जड़ जमीन के साथ अपना नाता स्थापित कैसे यहाँ पर किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर पता है और अब ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े विशिष्ट लोगों की जरूरत थी, जिसमें से एक मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल है, जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के बाद एक बड़ी बढ़त पार्टी को यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये भीड़ का उत्साह हम कहें तो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि बंगाली भद्रलोक में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकल्प बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, आप ऊपर तस्वीरें दिखाइए, जरा मुकेश जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए ये जो आप पुल देख रहे हैं, इस पुल के ऊपर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएगी तो भीड़। बंगाली भद्रलोक में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, एक विकल्प बनकर उभर रही है, एक ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही है। आपको समझना होगा कि सितारों पर दाव की रणनीति किस तरीके से दोनों ही तरफ से चली जा रही है। एक और तो ममता बनर्जी टीएमसी, दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी। मिथुन के भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि किस तरह से पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने भी सितारों को मैदान में उतार कर टिकट गणित को पेश
पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई E0 चुनो, खुल के सांस लो। प्रायोजक अंबर गोल्ड TMT, सच्चाई की ताकत। चश्मा और अपने कैप के लिए उसी अंदाज में वो जाने जाते हैं।
यही अंदाज था जब वो सबसे पहले स्टेज पर पहुंचे थे। ये देखिए जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें एक एक इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। सर 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 एक सेकंड, ये देखिए तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन बावजूद इसके हर एक तस्वीर आप तक पहुंचे। मिथुन दा का यहाँ से क्या संदेश होगा यहाँ की जनता के लिए, ये देखना होगा। चूंकि राजनीति में भी किस तरीके से उनकी पहचान बढ़ती है, किस तरीके से उनको लोगों का प्यार मिलता है, किस तरीके से बंगाल की जनता को जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो बंगाल की जनता तक पहुंचता है, इस बात की गवाही ये तस्वीरें यहाँ पर देती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। मेरे सहयोगी मुकेश एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश तस्वीरों को दिखाते रहिएगा। मिथुन दा की बंगाल कैसे सुन रहा है एक एक आवाज को वो आप समझ लीजिए। उनकी एक आवाज पर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का युवा किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहा है वो आप समझिए। ये देखिए जो आप छतरी देख रहे हैं, इस शुरुआत दौर में तो नहीं थी लेकिन फिर जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। लाखों की संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं। दादा को देखने के लिए लोगों में इतना उत्साह नजर आ रहा है। ये देखिए मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन से जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, ये आगे की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आगे की तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता का हुजूम आपको नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ जनता का हुजूम आपको नजर आएगा। तस्वीरें देखिए, छत हो, रोड हो, कहीं की भी तस्वीर आप देखिए, चाहे पुल हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही नजर आ रही है। तस्वीरें मुकेश दिखाते रहिए, तस्वीरें मैं चाहूंगी कि रथ पर ही आप फोकस करें, वो तस्वीरें दिखाते रहे, मैं चाहूंगी रथ पर ही आप फोकस करें, रथ पर ही आराम से मुकेश आराम से। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी दिखाई दे रहे हैं, आराम से मुकेश, बहुत आराम से।